अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको मलाई बूटी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे हम जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं। और इसका मैं एक आपको और फ़ायदा बता दूँ, ये जो चिकन के पीसेस हैं, जब हम इसको यानी कि बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, हम इन्हें सीखों से उतार लेंगे, तो वो आप चिकन रोल, जो चिकन रोल पराठा आजकल भर वैसे ही बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़ है, आप उनको रोल पराठा बनाकर भी दे सकते हैं और उसमें और चटनियाँ, केचप वगैरह ऐड करके उसको मज़ीद जो है टेस्टी बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने जो है बोनलेस चिकन ली है, तकरीबन ये 1 किलो है, और इसके इतने छोटे छोटे पीसेस आप करवा लीजिए। आप देख सकते हैं कि पीसेस बहुत छोटे भी नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं है, कि आराम से ये सीखों में आ जाएंगे। और व्यूअर्स, इनमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें हमें चिली सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस सॉरी चिली सॉस 3 टीस्पून, ठीक है, सोया सॉस 3 टीस्पून, और ये सिरका वेनेगर 3 टीस्पून, लहसुन अदरक 3 टेबल स्पून, ठीक है, नमक और काली मिर्च, ये हसब जायका होगी आपके ऊपर है, लेकिन काली मिर्च अभी भी इसमें ऐड होगी और बाद में भी ऐड होगी, तो मैंने 1 टीस्पून और नमक मैंने 2 टीस्पून ले लिए हैं। इसमें हम फ्रेश मलाई अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप पैकेट वाली भी यूज़ करो तो कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हो। चलें, मैं आपको इसकी पहले मैरिनेशन का तरीका बताती हूँ। मैरिनेट करने के तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद हम मलाई बोटी को जो है सीखों पे लगाकर उसे बारबेक्यू करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। इसमें मैं सबसे पहले चिली सॉस ऐड करूँगी। फिर सोया सॉस, वेनेगर, और आप चाहें तो इसमें लीमू भी यूज कर सकते हैं, पर लीमू मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करूंगी ताकि उसी टाइम आप खाएं तो आपको उसका टेस्ट आए और खुशबू। 3 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें फ्रेश मलाई, और नमक और काली मिर्च, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप एक रात पहले से लगा लें और अगले दिन दोपहर में अगर बारबेक्यू है तो अगले दिन रात को ही लगा के रख लें, वरना सुबह से ही लगा लें, तकरीबन 6 से 7 घंटे अगर इसे मिल जाए तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। कल मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रोल बनाकर भी दिखाऊंगी और सिंपल जो मलाई बूटी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कितनी सॉफ्टनेस आ जाती है इसमें मलाई ऐड करने के बाद। अक्सर लोग इसमें दही योगर्ट ऐड करते हैं, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर रही, मुझे उससे उसका टेस्ट वैसा नहीं मिलता। ट्राई कर चुकी हूँ मैं, पर मुझे कुछ टेस्ट सही नहीं लगा। आप इस तरीके से ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको लगेगा नहीं कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, आपने खुद बनाया। और व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी मज़ीद जो वीडियोस आ रही हैं वो आप तक फौरन से पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करके मुझे नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिए और मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए।
ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे 3 से 4 घंटे के बाद सीखों पे लगा के इसे पकाएंगे कोयलों के ऊपर। जी व्यूवर्स, ये देखिए अब मलाई बूटी 4-5 घंटे मैरिनेट करने के बाद बड़े अच्छे से, इसमें हमने जो नींबू वगैरह लगाया था, मैं चिकन के लिए वो कच्चा पपीता नहीं लगाती क्योंकि चिकन ऑलरेडी नींबू से या सिरके से ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब हमने इसे सीखों में डाल लिया है और लगा लिया है। अब हम इसे बारबेक्यू करेंगे। मैं इस पे ऑयल लगा देती हूँ। चिकन के लिए हमें ऑयल लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये ड्राई सी ना लगे और आराम से ये बारबेक्यू हो जाए। इस तरीके से हम सब सीखों पर ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का सा। चलें जी, अब हम इसे कोयलों पे रखना शुरू करते हैं। इसे जी, अब ये इन्हें रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 मिनट से 5 मिनट में ये इंशाल्लाह हो जाएगी। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, देखिए इसका रंग बड़ा ही प्यारा कलर आया इसका। इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। इसे सीखों से निकालें और केचप के साथ खाएं। इसी के यही चिकन पीसेस को मैं इंशाल्लाह भी आपको चिकन रोल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।